हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रही। ऐसे क्या क्या रीजन्स है जिनकी वजह से आपकी चैनल ग्रो नहीं हो रही दोस्तों। तो आप ज़रूर इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, ताकि जैसे मेरी चैनल ग्रो हो रही, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे दोस्तों, व्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे दोस्तों, तो आप ये ट्रिक को ज़रूर यूज़ करें, ताकि आपके चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए दोस्तों। सबसे पहले नंबर पर बता दूँ दोस्तों, वो है कंटेंट्स पर फोकस करें दोस्तों। आप कितना भी अच्छा थंबनेल बना लो दोस्तों, उससे आपको बेनिफिट होने वाला है, लेकिन उससे आपको वॉच टाइम मिलने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपने थंबनेल अच्छा बनाया, क्लिक किया, लेकिन जो कंटेंट्स देखना चाह रहा है वो कंटेंट्स उनको प्रोवाइड ही नहीं हो पा रहा। जो चीज़ वो देखने आ रहा है वो चीज़ मिलती नहीं है। फर्स्ट टाइम तो वो वीडियो थोड़ा सा देखेगा, लेकिन उनको लगेगा कि मुझे जो चीज़ चाहिए, जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल नहीं रही, तो आधा वीडियो छोड़ देगा। तो आपकी वॉच टाइम ज़्यादा नहीं होगा, तो YouTube को पता चलेगा कि इस वीडियो में इतना दम ही नहीं, ताकि वो ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन करे दोस्तों, ताकि आपकी जो चैनल की बैड इम्प्रेशन पड़ने वाली, और बैड इम्प्रेशन पड़ेगी तो दोस्तों आप समझ लो कि आप दूसरा वीडियो अपलोड करते हो तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रीच नहीं मिलती दोस्तों। क्योंकि यूट्यूब को लगता है कि इसके वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं रहती और ज़्यादा से ज़्यादा रीच नहीं मिलने वाले दोस्तों। इसलिए आप कंटेंट्स अच्छा बनाए, इतना अच्छा बनाए दोस्तों कि सामने वाला देखे तो पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए मजबूर होता है दोस्तों, और उसको पूरा वीडियो देखना ही पड़े दोस्तों। आप कितनी भी अच्छी इन्फॉर्मेशन बना लोगे, अगर वो पूरा वीडियो नहीं देखता तो आपका उस कंटेंट्स का कोई भी फायदा नहीं है दोस्तों। इसीलिए सेकंड नंबर की चीज़ बता दूँ दोस्तों, वो है सर्च वाला वीडियो बनाने का दोस्तों। आपका जो टॉपिक है वो सर्च वाले इसलिए बनाने का क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन अच्छी बनाई है दोस्तों, लेकिन उसे देखने वाला कोई है नहीं है। समझ लो कि आपने वीडियो अच्छा बनाया, जो लोग सर्च कर रहे, आपके वीडियो रैंक नहीं कर रहे, आपके वीडियो के टॉपिक तक पहुँचता ही नहीं है वो, तो फिर आपके वीडियो को वो देखेगा कैसे दोस्तों? और वहाँ पर आपके व्यू और वॉच टाइम की तो बात ही नहीं होती। अगर आपके थंबनेल में वो क्लिक करेगा तभी आपको वॉच टाइम और व्यू मिलेगा दोस्तों। इसीलिए थंबनेल तो अच्छा बनाए, लेकिन कंटेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दें। थंबनेल पे जितना ध्यान दे रहे हो उतना ही आपको कंटेंट्स पे देना है, और उतना ही ध्यान आपको देना है सर्चेबल टॉपिक में दोस्तों। क्योंकि जो अभी चाहिए टॉपिक वही वीडियो बनाए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाओगे दोस्तों। अगर आपके पास ऑडियंस आ जाती है तब आप जो भी वीडियो अपलोड करना चाहो वो अपलोड कर सकते हो दोस्तों, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू एंड सब्सक्राइबर मिलने वाले और आपके चैनल ऑटोमेटिक ग्रो करने वाली है दोस्तों। तो इसे ध्यान जरूर रख लेना दोस्तों। और थर्ड नंबर वाली टिप्स आपको बता दूँ दोस्तों, वो है आपको डिमांडेड टॉपिक बनाना है दोस्तों। जैसे वीडियो में अभी बना रहा होगा, उसमें आपको बोलना है कि मुझे कौन से कैटेगरी में वीडियो बनाना चाहिए, और कौन सा वीडियो मैं बनाऊँ तो आपको लिए अच्छा रहेगा। तो मुझे कमेंट करो, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है उस पर मैं टॉपिक बनाऊँ। तो वो क्या रहेगा, सामने वाले जो ऑडियंस है उनका आप डिमांडेड वीडियो बना रहे हो तो ऑटोमेटिक देखने तो वाले ही, आपको व्यू तो मिलने वाले दोस्तों, क्योंकि उनको डिमांडेड टॉपिक ही चाहिए। उनको जो पसंद है वो ही आपको दे रहा है। समझ लो कि मुझे जो खाना पसंद है वो ही आप मुझे दोगे तो मैं खाने वाला हूँ, लेकिन अगर मुझे जो पसंद नहीं वो खाना दिया जाएगा तो मैं खाने ही वाला नहीं। इसलिए आप डिमांडेड टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाए। जितने अच्छे वीडियो डिमांड पर आप बनाओगे उतने ज़्यादा व्यू एंड सब्सक्राइबर जरूर दोस्तों मिलने वाले। तो आपको ये तीन टिप्स कैसी लगी, बहुत बढ़िया लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले कि क्या क्या हम गलती कर रहे हैं उसे सुधारना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आगे जाकर ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाओ तो उस पर ज़रूर मुझे यार कॉमेंट कर सकते हो। चाहो तो इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है, वहाँ पर जाके मुझे ज़रूर ज़रूर फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।